हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ एक आर्ट एंड क्राफ्ट शेयर करने वाली हूँ, वो है ये गिफ्ट बॉक्स। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये गिफ्ट बॉक्स बनके तैयार है। अगर आपको किसी को देना है तो आप इसमें कुछ भी गिफ्ट रख के दे सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्पेस भी है इसमें, आराम से जो कुछ भी रखना चाहते हैं वो इसमें गिफ्ट रख के आप दे सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये बनके रेडी हुआ है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मिनटों में ही ये बनके तैयार हो गया है और बहुत ज़्यादा ये सुंदर दिख रहा है। गिफ्ट रैपिंग के लिए आपको अगर बाहर जाना पड़ता है तो आप घर में ही इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया हुआ है। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चोकोपाई का ये खाली बॉक्स लिया है और यहाँ पे एक गिफ्ट रैपिंग पेपर है ये लिया है। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर सेलो टेप लिया है, नॉर्मली ये आपको स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सीज़र लिया है और एक लेस ली है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कैंची है एंड ये होल करने के लिए मशीन ली है। एंड ये फेविस्टिक ली है, या तो आप ग्लू ले सकते हैं या कोई भी आपके पास जो भी चिपकाने के लिए है वो ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस चोकोपाई के बॉक्स का ये ऊपर का हिस्सा है मैं इसको अलग कर दूँगी। तो कैंची की मदद से मैं इसको काट के अलग कर दूँगी और पूरा एक सा कर लूँगी ये, क्योंकि ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं इसको अलग कर दूँगी, एक समान काट के मैं इसको इससे निकाल दूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं ऊपर का ये हिस्सा इसमें से काट के और निकाल दूँगी। ये वाला हम हिस्सा इसमें से अलग कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इसमें से इसको निकाल दूंगी, ये कुछ इस तरीके से। और ये बाकी भी मैं अच्छे से इसको पूरा निकाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसका ऊपर का हिस्सा अच्छे से निकाल दिया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये लुक आ रहा है। अब ये जो पीछे का हिस्सा है इसको थोड़ा सा सेफ साइड बनाने के लिए मैं इसमें सेलो टेप लगाऊंगी। सेफ साइड इसलिए कि ताकि अगर हम इसमें कुछ भी गिफ्ट वगैरह रखें तो ये इजीली अच्छे से सेट रहे, नीचे से निकले ना। तो मैं इसमें अच्छे से सेलो टेप लगा दूँगी, ये कुछ इस तरीके से मैं इसमें सेलो टेप लगाऊँगी ताकि ये थोड़ा सा इसमें बाइंडिंग बनी रहे। अब मैं कैंची से सेलो टेप काट देती हूँ और इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये परफेक्ट है। तो अब नेक्स्ट जो हमें करना है, तो इसके ऊपर जो मैंने पेपर लिया था, गिफ्ट रैपिंग का पेपर है, उसको हम इसके ऊपर कवर करेंगे। तो ये जो पेपर है, ये स्टिक है, इससे हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको पेपर कवर नहीं करना है तो आप इस पर पेंट भी कर सकते हैं, बट पेपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी और इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी और पेपर अच्छे से मैं इसमें कवर करूँगी। साइज़ देख लेंगे कि किस हिसाब से हम इसमें रखेंगे, उसके हिसाब से मैं इसमें सेलो टेप की मदद से इस पेपर को अच्छे से कवर करूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इसमें कवर करूँगी ताकि कोई भी गैप ना रहे और अच्छे से ये कवर हो जाए। तो ऐसे रखूँगी और इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसको रखूँगी और एक सेलो टेप की मदद से मैं इसको पहले चिपकाऊँगी। पहले मैं इसको ऐसा फर्स्टली ऐसा चिपकाऊँगी। ये देखिए, अब सेलो टेप मैं इसमें लगा देती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं अच्छे से सेलो टेप लगा दूँगी ताकि ये जो हम गिफ्ट पेपर चिपका रहे हैं वो निकले ना और अच्छे से इसमें सेट रहे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें सेलो टेप लगा दिया है। अब इसको अच्छे से टाइटली कवर करती हुए मैं इस पेपर को पूरा फोल्ड कर दूँगी चोकोपाई के बॉक्स पे। ये देखिए,
अब मैं यहाँ पे जो फेविस्टिक थी पहले वो अप्लाई करूँगी ताकि और अच्छे से ये सिक्योर हो जाए और निकले ना। तो मैं यहाँ पे फेविस्टिक का यूज़ कर रही हूँ और सेलो टेप का भी यूज़ करूँगी मैं, बट इसको अच्छे से कवर करने के लिए मैं इसमें फेविस्टिक का यूज़ कर दे रही हूँ। आप फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही आसान है। अगर हमें फटाफट से किसी को गिफ्ट देना है और कुछ भी नहीं है कि हम दुकान नहीं जा पा रहे हैं या कुछ भी, अगर आपके पास पेंटिंग कलर है तो आप उससे भी कलर कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें यहाँ पे टेप लगा दूँगी और अच्छे से इसको चिपका दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरे में हम टेप लगा देंगे इसको। ये देखिए और नीचे साइड भी हम इसमें एक टेप लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से सेलो टेप लगा दिया है और ये बीच में भी मैं इसमें लगा दूंगी। ये देखिए अच्छे से पूरा ये कवर हो चुका है। यहाँ पे भी एक सेलो टेप लगा देती हूँ अच्छे से कवर करने के लिए। तो ये देखिए अभी ये पूरा कवर हो चुका है, बट ये आगे का हिस्सा है जो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। जितना हम थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर सके उतना ही रखेंगे, बाकी ये कट कर लेते हैं कैंची की मदद से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कैंची की मदद से कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ये नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का हिस्सा है। तो पहले हम नीचे का जो हिस्सा है वो अच्छे से, ये जो हमने पेपर लिया था गिफ्ट रैपिंग पेपर, उसको फोल्ड करके नीचे से अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए सेलो टेप की मदद से मैं इसको कवर कर देती हूँ अच्छे से फोल्ड करके कुछ इस तरीके से। ये देखिए जैसे हम गिफ्ट रैप करते हैं वैसा ही मैं इसको कवर कर दे रही हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट का बॉक्स बनके रेडी हो जाएगा। ये यहाँ पे भी सेलो टेप की मदद से इसको मैंने अच्छे से चिपका दिया है। ये देखिए नॉर्मल हम चोकोपाई के बॉक्स फेंक देते हैं, पर इसका यूज़ करके हम एक अच्छा सा बॉक्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं ऊपर का हिस्सा इसको भी अच्छे से अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दूंगी ताकि ये ऊपर के एजेस जो हैं वो ख़राब ना दिखें। तो इसमें मैं फेविस्टिक लगा के पहले से इसको चिपका दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसमें सेलो टेप अप्लाई करूंगी। तो ये जो फेविस्टिक है उसको ऐसे लगा के मैं इसमें अप्लाई कर दूंगी। ये देखिए आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं। दोनों साइड अच्छे से मैं इसमें फेविस्टिक लगा के इसको चिपका दूंगी। ये देखिए साइड के कॉर्नर में भी मैं इसमें लगा दूंगी फेविस्टिक और अंदर की तरफ इसको फोल्ड करते हुए हम इसको चिपका देंगे। ये देखिए इसके एजेस भी ख़राब नहीं लगने चाहिए। ये देखिए अब मैं इसमें अच्छे से चिपकाने के बाद, इसको फोल्ड करने के बाद इसमें सेलो टेप लगा दूंगी ताकि और अच्छे से ये सेट हो जाए। ये देखिए कुछ अंदर की तरफ से ही मैं इसमें टेप लगाऊंगी। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने ये देखिए अच्छे से सेलो टेप लगा दिए हैं। तो पूरे में लगा देती हूँ मैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे में अच्छे से सेलो टेप भी लगा दिया है और ये बॉक्स को गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर भी कर दिया है। अब आप पहचान भी नहीं पा रहे होंगे कि ये खाली चोकोपाई का बॉक्स था जिसे हम नॉर्मल फेंक देते हैं। अब मैं इसे होल कर दूँगी इसमें लेस लगाने के लिए। ये लेस है, कोई सी भी लेस ले सकते हैं या थ्रेड ले सकते हैं जो आपको यूज़ करना है। तो पहले मैं लेस को कट कर लेती हूँ इसके हिसाब से जितना हमें रखना है, कि हम नॉर्मल इसको अगर हाथ में पकड़ें तो साइज़ छोटा भी ना हो और बड़ा भी ना हो, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा ही कट करूँगी। इतना ज़्यादा मैं इसमें कट करूँगी
ये देखिए दोनों साइड हमें लेस चाहिए है, तो दो हिस्सों में मैं इसको बराबर बांट लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट किया है ताकि ये छोटा ना पड़े। अब ये मैं इसको साइड में रखती हूँ और पहले होल कर लेती हूँ। तो इससे मैं होल कर लेती हूँ। अगर आपके पास ये होल करने के लिए ना हो तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी होल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इसमें होल हो चुके हैं दोनों साइड। अब मैं दूसरी साइड भी इसको अच्छे से होल कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इसमें होल कर लिए हैं, बहुत इजीली इसमें होल हो चुके हैं। ये देखिए इस साइड भी दो होल किए हैं। अब जो ये लेस थी इसको मैं बराबर दो हिस्सों में बांट लूँगी। ये ऐसे इसको कैंची की मदद से कट कर लूँगी। अब जो लेस है वो हम इस होल में डालेंगे कुछ इस तरीके से, दूसरा हिस्सा दूसरे होल में डालेंगे। ये देखिए अब दोनों हिस्से को हम पकड़ के और अच्छे से एक इसमें गठान लगा देंगे, गांठ लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको बांध देंगे। दूसरा भी हम ऐसे ही करेंगे, एक होल में डालेंगे एक हिस्सा। ये देखिए और दूसरी लेस भी दूसरे हिस्से में डालेंगे और इसको भी अच्छे से हम बांध देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से भी इसमें हम एक गांठ लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसमें हमने लेस भी लगा दी है, पेपर भी चढ़ा दिया है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चोकोपाई का बॉक्स लग रहा है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये गिफ्ट बॉक्स बन के तैयार है। स्पेस भी अच्छा खासा है इसमें, आप अच्छे से गिफ्ट वगैरह रख के इसमें दे सकते हैं। ये देखिए इसका स्पेस भी बहुत अच्छा है और ये पकड़ने में भी बहुत इजी है। तो आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। तो आप एक घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि ये आपको कैसा लगा। तो ये देखिए स्पेस भी बहुत अच्छा है, इसमें आप गिफ्ट वगैरह रख सकते हैं, कोई बुक वगैरह दे सकते हैं, मोबाइल फ़ोन कुछ भी, जो भी आपको गिफ्ट देना है किसी को तो आप उसमें इसमें रख के दे सकते हैं, फ्लावर वगैरह भी रख सकते हैं। सो गाइस अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये गिफ्ट बॉक्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या अदर कोई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।